हेलो भाई, तो अगर आप लोग यूट्यूबर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो आप भी मेरे जैसे बर्बाद हो जाओगे। मैंने जो गलती किया आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। मैं अपनी गलती आप लोग खुद बताऊं कि मैंने क्या गलती किया जिससे मैं बर्बाद हो चुका हूं और मेरा व्यूज भी डाउन हो चुका है। अभी मेरा सब कुछ डाउन हो चुका है, तो मैंने क्या गलती किया जिसके कारण मेरा अभी ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है जो मैंने गलती कर दिया है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले तो गलती कर देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। जैसे मेरे को देख लीजिए, मैं गलती करके अब पछता रहा हूँ कि मैंने गलती किया क्यों। तो आपको भी ऐसा गलती नहीं करना है। तो मैंने क्या गलती की आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा और बताऊंगा, जिसके चल के आप लोग को आगे चल के ये गलती नहीं करनी, जिससे आपका भी चैनल जो है डेट पर जाए और आपका चैनल ग्रो ना हो। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा मतलब समझाऊंगा कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी जो मैंने गलती करके और अब मैं पछता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप लोग यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप भी ये फ्यूचर में अगर गलती करते हो मेरे जैसे आप लोग भी बर्बाद हो जाओगे। मैं रियल बोल रहा हूँ, जैसे मैं बर्बाद हुआ वैसे आप भी बर्बाद हो जाओगे। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलती कर देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। जैसे मेरे को खुद देख लीजिए, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग खुद कहोगे कि एक ही बातें बार बार क्यों बोल रहे हो। तो मैं अभी गलती करके पछता रहा हूँ, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आपको भी फ्यूचर में ऐसा गलती नहीं करना है। मैं गलती क्या किया सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ। जैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया था, शुरू में तो अच्छे से वीडियो अपलोड करता था, लेकिन मैंने क्या हुआ कि मतलब 2-3 महीने तो वीडियो रेगुलर अपलोड किया, उसके बाद क्या हुआ कि मैं गाँव गया, यानी कहीं मतलब गया और मेरा YouTube छूट गया। यानी क्या हुआ कि 1-2 महीने में वीडियो ही अपलोड नहीं किया। और मैं सोच रहा था कि मतलब मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आज वीडियो नहीं अपलोड किया, 2-10 दिन गैप हो गया, इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, फिर आगे से वीडियो अपलोड करके फिर से मैं अपना चैनल को ग्रो कर लूँगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ऐसा आप लोगों को सोचना भी नहीं है कि अपने चैनल को फिर से आप आज 10 दिन काम किए फिर 10 दिन छोड़ दिए, फिर कहोगे कि अगले दिन हम वीडियो बनाएंगे और फिर अच्छे अच्छे कंटेंट बना के फिर अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ऐसा आपको गलती करना ही नहीं है। तो मैंने यही गलती की और मैं सोचा भी था कि ऐसे कर लूँगा, मतलब फिर से आगे से वीडियो डाल के मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं, और मेरा चैनल आज भी डेड है। आज भी अभी देख सकते हैं मेरे वीडियो पे, पहले भी अच्छा खासा, आज से मतलब 6 महीने पहले आप जाके चेक कर सकते हैं, मतलब इससे भी अच्छा मेरे वीडियो पे व्यू जाता था। लेकिन अभी देखिए मतलब उतना ही व्यू जा रहा है, अभी इससे ही डाउन हो गया। अभी बीच में मेरे वीडियो पे व्यू जा रहा था, मतलब बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुझे प्रमोट किए थे जिसके कारण मेरे वीडियो पे व्यू जा रहा था, लेकिन सब वीडियो पे जो व्यू जा रहा था वो डाउन हो गया। जितना सब्सक्राइबर मिला था वो भी डाउन हो गया। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपको अगर यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, यानी रेगुलर यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, डेली वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि आज वीडियो हम अपलोड कर दिए तो 2-4 दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा कि आपका चैनल जो है ना वो डेड पड़ने लगेगा, यानी आपका जो ऑडियंस है वो छोड़ के जाने लगेगा। इसलिए कि मान लीजिए आप कोई भी मतलब वीडियो बना रहे, तो आप लोग को जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे आपका दुकान हो गया, आप दुकान पर बैठे हो तो आप डेली दुकान खोलते हो और बहुत सारे आपके कस्टमर है वो आपके दुकान में आते हैं सामान लेने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप 2-10 दिन दुकान बंद कर दोगे तो क्या वो दूसरी दुकान में नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही होता है ऑडियंस, मान लीजिए आपके चैनल पे आप वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो आपका सब ऑडियंस छोड़ के और दूसरे चैनल पे वो जाने लगेंगे, यानी दूसरा चैनल सर्च करके देखेंगे किस पे मतलब वीडियो अपलोड हो रहा है और उन लोगों को डेली अच्छा कंटेंट मिल रहा है सीखने के लिए, तो दूसरे चैनल पर जाकर सीखेंगे, आपका चैनल छोड़ देंगे। तो इससे आपका चैनल डेड हो जाएगा और आपके चैनल पर वो दोबारा आएंगे भी नहीं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको डेली अगर यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना है। जैसे मैंने गलती कर दिया कि डेली वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं सोचा कि बाद में वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको डेली वीडियो अपलोड करना है। और आप लोगों को एक और चीज़ गलती नहीं करनी, अपना कभी भी कैटेगरी मतलब चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने भी ये भी किया था शुरू, मतलब मैंने दूसरा कैटेगरी से वीडियो अपलोड किया था, मतलब और वीडियो अपलोड करता था, लेकिन बीच में मतलब अब चेंज कर दिया हूँ, अब यूट्यूब टिप्स देता हूँ। पहले किसी ऐप के बारे में ऐसे कुछ मतलब मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया करता था, लेकिन अभी मेरा कैटेगरी चेंज हो गया। तो इस पर भी आपको डिपेंड करता है, उससे आपका ऑडियंस भी मतलब अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हो कि व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे कुछ भी आपका चैनल है, मान लीजिए आपका टेक चैनल है, तो टेकिंग आप समझाओगे। तो मैंने शुरू में कुछ मुझे पता नहीं था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने अलग अलग वीडियो उस पर अपलोड करता था, और उसके बाद मैंने फिर आगे चल के मैं और सब वीडियो देख के और अपना कैटेगरी ही चेंज कर दिया, तो इसके कारण भी और व्यूज डाउन हो गया था। आपको ये भी गलती नहीं करनी है। और अपना वीडियो पे मतलब रेगुलर मतलब वीडियो एक अपलोड करनी, जिससे आपका चैनल
आगे बढ़े, यानी आपका चैनल डेड ना पड़े। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि आज वीडियो अपलोड कर दिया और 2 दिन बाद 10 दिन बाद अपलोड करेंगे, फिर से हम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके ग्रो कर लेंगे, तो ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक खुद हुआ है और मैं खुद इसको आजमा के देखा हूँ, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी जिससे आप आगे चल के आपको पछताना पड़े। तो यही मेरा गलती था कि मैंने ये गलती की जिसके कारण मेरा चैनल अभी डेड पड़ चुका है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें।